हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम नेक्स्ट एक्शन पर रीडिंग करने वाले हैं। तो देखेंगे कि आपके पर्सन इस रिश्ते में नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, और रीडिंग टाइमलेस है। जब भी जिसके सामने आएगा तब उसकी करंट सिचुएशन से मैच करेगा। कोई भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को किसी भी वक्त देख सकता है। और सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी, विडो कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए नहीं है रीडिंग, सबके लिए ओपन है रीडिंग, ठीक है। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स के तरफ क्या एक्शन लेंगे? मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस रिश्ते में नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे? मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स के तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे? प्लीज एंजल गाइड मी। कुछ सिचुएशन को काट ऑफ करेंगे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में है, पावर में है, सोर्स लेके बैठे हैं। जो भी उनको लगेगा जो सही नहीं है उनको वो काटअप करेंगे। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो रहा है। जो भी दो सिचुएशन में आपके पर्सन अटके हुए थे वो सिचुएशन एंड होगा। जो भी उनको मैनिपुलेट कर रहे थे, कुछ चीज़ें हाइड कर रहे थे, वो सिचुएशन एंड होगा। और जो भी दो सिचुएशन था, कन्फ्यूजन था, आपके पर्सन वो सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। और बहुत ही क्विकली वो आपके तरफ आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड के साथ चैरियट आया है, तो बहुत क्विकली वो आपके तरफ आ रहे हैं गाइस। 7-7 की सिंक्रोनिसिटी है यहाँ पर, और विक्ट्री आपको ज़रूर मिलेगा गाइस। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा, एक के बाद एक पॉजिटिव कार्ड है गाइस नेक्स्ट एक्शन में। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? सिचुएशन यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच वो सॉर्ट आउट होगा। अगर पहले आपके पर्सन आपको इग्नोर करते थे, नेग्लेक्ट करते थे, वो सिचुएशन यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। टू मोर कार्ड्स देखिए, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है गाइस। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है आपके पर्सन, और बहुत दुखी है आपके पर्सन। 5-5 की एनर्जी है, 5-5। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी दो सिचुएशन यह है, यहाँ पर एंड हो रहा है सिचुएशन। देखिए दी वर्ल्ड कार्ड के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो रहा है, जहाँ पर आपके पर्सन है पर दुखी है, हार्ट ब्रोकन है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उनका हालत ख़राब है। इकोनॉमिकल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है। आपके पर्सन की हेल्थ इश्यूज हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा खुद को अलोन महसूस कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है आपके पर्सन के। देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वैंस, चैरियट, ठीक है। इसके बाद हाँ विक्ट्री। देखिए बहुत क्विकली आपके पर्सन आपके तरफ वापस आ रहे हैं गाइस, आपके तरफ एक्शन लेंगे, आपके साथ ही सिचुएशन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए 6 इम्पोर्टेंट है, 6 वीक 6 डेज के अंदर आ सकते हैं, और 7 वीक 7 डेज के अंदर आपके पर्सन वापस आ सकते हैं गाइस, ठीक है। तो कुछ कार्ड को मैं क्लेरिफाई करूंगी हर रोज की तरह। जो कार्ड पॉजिटिव है उसको हम नीचे रख रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स क्यों आया है, कैसा डिसीजन लेंगे? किंग ऑफ सोर्स क्यों आया है एंजल? किंग ऑफ सोर्स क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्स खुद की विश फुलफिलमेंट के लिए वो सब कुछ करेंगे। जहाँ पर भी वो स्टक है, जिसकी वजह से वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, या फिर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन अटके हुए है, मूवमेंट नहीं हो रहा था, ठीक है।
जहाँ पर अटके हुए थे, स्टक थे, जिसकी वजह से सिचुएशन मूव नहीं कर पा रहा था, अटके हुए थे बहुत दिनों से, जिसकी वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे आपके ऑफर को, तो उस सिचुएशन को आपके पर्सन काट ऑफ करेंगे और विश फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने प्रिपरेशन ले चुके हैं गाइस आपकी तरफ आने के लिए और बहुत क्विकली वो आ रहे हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है एंजल? स्ट्रेंथ गैदर कर रहे कुछ सिचुएशन को एंड करने के लिए, फाइट एंड करने के लिए। देखिए अगर आप दोनों के बीच ब्रेकअप है, पास्ट में फाइट हुआ है या फिर फिलहाल हुआ है फाइट, तो आपके पर्सन स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और करते भी हैं और आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इमोशन के काबले के वो घोड़े में बैठ के आ रहे हैं आपकी तरफ। देखिए एक पैर उठा चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इमोशन उनका ओवरफ्लो हो रहा है गाइस। टू ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? टू ऑफ सोर्ड्स फाइट हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ, और आप दोनों अगर ऑलरेडी मैरिड हो गए, आपके पर्सन आपके तरफ वापस आ रहे, दी लवर की तरफ आ रहे हैं देखिए। और जो लोग सिंगल हो, आपके पर्सन आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, लवर के साथ शादी करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड वो हो रहे हैं, जस्टिस चाहते हैं इस रिश्ते में। अगर डिवोर्स तक बात हुआ था तो वहाँ पर आपके पर्सन स्टैंड लेंगे और पॉजिटिवली आपके तरफ मूव करेंगे, ठीक है। हाई प्रिस्ट क्यों आया है जेल? हाई प्रिस्टेस क्यों आया है? ब्रेकअप सिचुएशन है आप दोनों के बीच, बातचीत अगर नहीं हो रहा है तो आपके पर्सन आ रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी देंगे, कमिटमेंट देंगे, आपको स्टेबल पर्सन देखते हैं, प्रैक्टिकल पर्सन देखते हैं, खूबसूरत देखते हैं। बैंकिंग सेक्टर में कुछ लोग यहाँ पर काम कर सकते हो या फिर खुद का बिजनेस हो सकता है या फिर आप खुद ही कोई बहुत अच्छा काम करते हो सकता है, ठीक है। डेथ कार्ड क्यों आया है एंजल? कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है उनके लाइफ में, देखिए एंडिंग हो रहा है कुछ सिचुएशन यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इमोशनल वो हो रहे हैं। टावर कार्ड था इसके साथ, किंग ऑफ कप्स के साथ, देखिए टावर एंड डेथ, बाप रे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी एक साथ आया है। तो और ये भी एक मैसेज है यहाँ पर, अगर आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट चल रहा है, ब्रेकअप है, तो वो सिचुएशन एंड होगा। जो भी टावर मूवमेंट आया था आप दोनों के बीच, जो भी प्रॉब्लम था वो एंड हो रहा है और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके तरफ, प्यार की कब आपको देना चाहते हैं। कोई साइकिल यहाँ पर एंड हो रहा है, जो भी दो सिचुएशन था यहाँ पर एंड हो रहा है एक सिचुएशन, और एक को पकड़े हुए है आपके पर्सन, और वही एक कौन है आप हो, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट वो करते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल वो देखते हैं आपको, इंडिपेंडेंट से ग्रो करते हुए देख रहे हैं वो, और आपके तरफ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो, आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड इंडिपेंडेंट पर्सन वो देख रहे हैं। और फाइव ऑफ कॉइन क्यों आया है एंजल? एम्प्रेस थर्ड पार्टी कोई फीमेल हो सकता है गाइज, यहाँ पर दो फीमेल भी हो सकता है जो कि आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी बातों पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डरते हैं उन पर्सन को, ठीक है, उस थर्ड पार्टी को। देखिए थर्ड पार्टी मैंने बोला यहाँ से थर्ड पार्टी का, कुछ लोग का फैमिली है और दो दो फीमेल हो सकता है जो कि आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे, कुछ लोगों के लिए दो पर्सन हो सकता है, और कुछ लोग के लाइफ में दो ऑप्शन है, एक तरफ आप हो दूसरी तरफ कोई और है, ठीक है, उनका माँ हो सकता है, बहन हो सकता है, या कोई भी वुमेन हो सकता है उनके लाइफ में, ठीक है, जो कि आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स क्या है एंजल? सेवन ऑफ वैंस क्यों आया है? हार्ट ब्रोकन है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे गाइस, बहुत ज़्यादा दुखी ऑब्स्टिकल्स, जो भी मतलब ऑब्स्टिकल्स थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी मैंने अभी बताया इस सारी सिचुएशन को, तो वो ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर बन रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स की वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, हार्ट ब्रोकन है, न्यू बिगिनिंग वो चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर, ये इन सारी चीज़ों का टेंशन है उनके ऊपर, और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, यही चीज़ मतलब
उनके ऊपर टेंशन क्रिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है। लेकिन ये सारे कार्ड को मैं क्लैरिफाई नहीं करूँगी, एक के बाद एक पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत क्विकली आपके तरफ आ रहे हैं और सिचुएशन बैलेंस होगा। बॉटम से देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो इस कार्ड को कैसे मैं क्लैरिफाई करूँ बोलिए, एक के बाद एक आने की कार्ड है, ठीक है। और फिर यहाँ से है बैलेंस, देखिए इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई नहीं करूंगी, आपके पर्सन वापस आ रहे हैं गाइस, 100% वापस आ रहे हैं, बस वेट कीजिए आप। नंबर मैंने बोल चुके हैं, 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 7 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 9 भी कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो 6 वीक के अंदर, 6 डेज के अंदर वापस आ सकते हैं, या फिर 7 वीक के अंदर वापस आ सकते हैं, 9 डेज में वापस आ सकते हैं, या फिर 9 वीक में आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ सकते हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए ओसेजन से मैं थोड़ी सी कार्ड लूँगी आपके लिए, 2-3 देखेंगे कि क्या होगा नेक्स्ट एक्शन में। प्लीज़ एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे इस रिश्ते में, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे इस रिश्ते में। वहां से आया था किंग ऑफ सोर्स, एक कार्ड किंग ऑफ सोर्स का है गाइस, दी वार्डन। वहां से आया था 6 ऑफ सोर्स, राइट, क्लैरिफिकेशन में एक कार्ड 6 ऑफ सोर्स का है, और यहाँ से कॉम्प्रोमाइज गाइस। वहाँ से कौन सा कार्ड आया था, वहाँ से आया था 6 ऑफ पेंटिकल, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स है गाइस, सारे ही सेम कार्ड आए हैं दोनों डेक से। मैं क्या बोलूँ, मैंने अपने हाथों से निकाला है, सफल नहीं किया है। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा सेम है, और आपके पर्सन गोइंग विद द फ्लो में आना चाहते हैं, मतलब जो भी हो रहा है उसी में ही आपके पर्सन जाना चाहते हैं, जो हो रहा है वो होने देना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और बहुत ज़्यादा गुस्से में है आपके पर्सन, जो भी उनके खिलाफ होगा जो भी चीज़ वहाँ उसको वो काट ऑफ करेंगे और निकल के आ जाएंगे उस सिचुएशन से। और उनको कोई ना कोई गाइडेंस दे रहे हैं, वो गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन है फिलहाल, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, लेकिन उनको गाइडेंस मिल रहा है और वो उस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ सिचुएशन में वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ताकि बैलेंस हो जाए सिचुएशन, जो कुछ भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच वो सॉर्ट आउट हो जाए, और आपके पर्सन गोइंग विद द फ्लो चलना चाहते हैं, जो भी हो रहा है जैसे भी हो रहा है उसको होने दे रहे हैं और उसी तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर कार्मिक एनर्जी हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में, पास्ट लाइफ कर्मा हो सकते हैं जो कि उनको बहुत ज़्यादा बांध के रखे हैं, आने नहीं दे रहे आपके तरफ, बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग है उनके ऊपर और बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू से वो गुजर रहे हैं, उनके सामने कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, उसको दीवार तोड़ के बाहर आना पड़ रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम में वो फंसे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं उस प्रॉब्लम से। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच भी हो सकते हैं, या फिर उन्होंने कोई कार्मिक एनर्जी में अटके हुए हैं जहाँ पर वो खुश नहीं है, जहाँ से वो बाहर आना चाहते हैं, और कंडीशनिंग का कार्ड है तो वो बहुत ज़्यादा बांधा फील कर रहा है उस सिचुएशन में, लेकिन आपके बारे में वो सोचते हैं, डे ड्रीमिंग वो करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं वो आपको, और करेंगे नेक्स्ट एक्शन में जाके बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, ब्रेकअप सिचुएशन यहाँ पर हो सकते हैं बहुत सारे लोगों का, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड था टैरो से, विक्ट्री का कार्ड आया है तो सक्सेस जरूर मिलेगा, आपके पर्सन बहुत क्विकली आ रहे हैं, किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सॉरी किंग ऑफ सोर्स तो आया था, नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वैंस और चैरियट का कार्ड आया था और विक्ट्री का कार्ड आया था, जो सारे कार्ड पॉजिटिव है और सक्सेस पाने की कार्ड है और बहुत क्विक एनर्जी को डिनोट करता है, बहुत
फास्ट मूविंग एनर्जी को दिखाता है, तो बहुत सारे लोगों का पर्सन बहुत साडनली आ जाएंगे, आप लोग सोचोगे भी नहीं, अचानक से कभी ना कभी वो कॉल कर देंगे आपको, बातचीत होगा आप दोनों का, ठीक है। और कुछ लोग के पर्सन उनको डेट के लिए पूछ सकते हो, शादी के लिए पूछ सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी का कार्ड भी आया था, कमिटमेंट का कार्ड भी आया था, और विक्ट्री जो है वो शादी को भी डिनोट करता है, सक्सेस को भी डिनोट करता है, ठीक है। चैरियट का जो कार्ड है वो डिसीजन को दिखाता है, और डेट के लिए भी वो कार्ड दिखाता है, ठीक है। तो गाइस ये था आप लोग के लिए रीडिंग, नेक्स्ट एक्शन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, अगर आपको रेजोनेट करता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, अगर कॉल मैसेज रिसीव होता है तो ज़रूर से मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कमेंट में, ताकि मुझे पता चले, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा, टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।